कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो गया था, समझ में आया था कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके डिफरेंस क्या होता है कि हम लोग एक कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज़ करते हैं या फिर मेथड से इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, दोनों वेज हम लोग देखे थे, गेट सेट मेथड हम लोग देखे थे और कंस्ट्रक्टर से भी हम लोग उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन जावा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आता है ये। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आएगा कि ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि कंस्ट्रक्टर और मेथड, ठीक है, कैसे डिफर करता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए कंस्ट्रक्टर इज़ यूज टू इनिशलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेथड में, मेथड इज़ यूज टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो दोनों का लगभग लगभग मतलब वही है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है उसके स्टेट को इनिशलाइज करता है। स्टेट मीन्स जो उसकी वैल्यूज़ होगी, मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी या फिर जो वैल्यू हम लोग एक्सप्लिसिटली उसमें डालेंगे। ठीक है, लेकिन जावा मेथड जो होगा वो मेथड क्या करेगा, उसके बिहेवियर को एक्सपोज करेगा। बिहेवियर मीन्स उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, मतलब अगर मान के चलो हम लोग को अगर वैल्यूज़ उसके चेंज करना है रन टाइम पे, ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रक्टर से नहीं कर पाएंगे, है ना। हम लोग उसको किससे कर पाएंगे, मेथड के थ्रू कर पाएंगे। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर हम लोग मेथड लगा के डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंस्ट्रक्टर से उसका बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते। बिहेवियर मीन्स फंक्शनैलिटी हम लोग उसमें नहीं दे सकते। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, सेकंड पॉइंट, ए कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव ए रिटर्न टाइप। ठीक है, ए मेथड मस्ट हैव ए रिटर्न टाइप। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में हम लोग कभी भी रिटर्न टाइप नहीं डालते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्टर में कभी भी हम लोग रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं। ठीक है, लेकिन मेथड में हमेशा हम लोग रिटर्न टाइप लिखेंगे। रिटर्न टाइप मतलब वॉइड हो गया, इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे। क्लियर, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड इम्प्लिसिटली। ठीक है, मेथड में थर्ड पॉइंट है, द मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होते साथ ही वो कॉल हो जाता है, लेकिन हम लोग जब मेथड बनाते हैं तो उसको अलग से कॉल करना पड़ता है। क्लियर, अलग से कॉल करना पड़ता है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, फोर्थ पॉइंट है, द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ़ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं अपने क्लास पे, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, द मेथड इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कंपाइलर एनी केस। ठीक है, मेथड अपने आप नहीं प्रोवाइड होता जावा कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, हम लोग को बनाना पड़ता है मेथड, तभी मेथड उसके अंदर आता है ना। लेकिन कंस्ट्रक्टर के केस पे क्या है, अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर हम लोग वहाँ पे नहीं बना रहे हैं, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐड करता है। वो कंस्ट्रक्टर होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से उसको इनिशलाइज करता है। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। द कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम। ठीक है,
मेथड में द मेथड नेम मे और मे नॉट बी सेम एज द क्लास नेम, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा वो हमेशा क्लास नेम जैसा ही होगा, मतलब जो क्लास नेम होगा सेम वैसे ही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। लेकिन मेथड में ऐसा नहीं है, मेथड का नेम अलग भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग अलग ही बनाते हैं, सेम नहीं बनाते हैं, ठीक है। आया समझ में, आया कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ग्राफिक्स भी बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी तक हम लोग प्रोग्राम बनाए तो समझ में आ गया होगा क्या है डिफरेंस, है ना। समझ में आया कि नहीं आया कंस्ट्रक्टर सबके, ठीक है। प्रोग्राम प्रैक्टिस करके देखते हो कि नहीं देखते हो, कोई करते हैं कि नहीं करते, नहीं करते होंगे पक्का, नहीं करते ना। रश्मि, रश्मि करती होगी, है ना। कोई भी नहीं करते सही में, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, डेली जितना प्रोग्राम बनाते हो ना एटलीस्ट एक बार तो उसको रन करके देखो, ठीक है। नहीं तो प्रैक्टिकल में हालत ख़राब हो जाएगी। देखिए फिर वाइवा के समय कुछ नहीं बोल पाते हो तुम लोग, ठीक है। आज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने लोग हैं, ठीक है, जो लोग क्लास अटेंड करते हैं सबका मुझे दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन है, ऐश्वर्या, अतुल, गुलशन, रश्मि और जाहिद, ठीक है। पांचों का मुझे प्रोग्राम दिखना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जो लाइनेक्स वाला ग्रुप बना था ना उसमें दिखना चाहिए, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक करें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। देखो जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर होता नहीं है लेकिन उसको बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, देयर इज़ नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, हाउ एवर वी कैन कॉपी द वैल्यूज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर लाइक ए कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++, ठीक है। देयर आर मैनी वेज टू कॉपी वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन टू अनदर इन जावा, दे आर बाई कंस्ट्रक्टर, बाई असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इन टू अनदर, बाई क्लोन मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। तीन टाइप के हमारे पास मेथड है, ठीक है। एक तो हम लोग कंस्ट्रक्टर से कर सकते हैं, या फिर वैल्यू असाइन करके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर क्लोन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक क्लास बना है स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रही है ना सबको, एक क्लास बना है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आईडी, ठीक है। उसके अंदर जो मेंबर वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं, इंट आईडी बनाए और स्ट्रिंग नेम बनाए, ठीक है। देन उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर हम लोग ने बनाया स्टूडेंट 6 नाम से, उसी नाम से ही क्लास है, ठीक है। सेम नेम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इंट आई और स्ट्रिंग एन दे दिए, ठीक है। आई की वैल्यू कहाँ डाल दे रहे हैं हम लोग, आईडी में डाल रहे हैं। एन की वैल्यू किस में डाल रहे हैं, नेम में डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग स्टूडेंट 6, और यहाँ स्टूडेंट 6 एस बनाया हम लोग। यहाँ पे एक एस नाम का लोकल वेरिएबल बना रहे हैं इस कंस्ट्रक्टर के लिए, और यहाँ पे उसका टाइप क्या दे रहे हैं, स्टूडेंट 6 ही दे रहे हैं। आया समझ में, क्या दे रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट 6। तो स्टूडेंट 6 जो एस यहाँ पे बना हुआ है लोकल वेरिएबल, उसके अंदर दो चीज़ होंगी, आईडी और नेम। क्या क्या होगा, आईडी और नेम होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एस डॉट आईडी, ये एस के अंदर क्या अवेलेबल है, अरे यार ये एस के अंदर क्या अवेलेबल है, आईडी और नेम।
तो यहाँ पे हम लोग लिखे एस डॉट आई डी, ठीक है, उसको असाइन कर रहे हैं हमें आई डी में, ठीक है। फिर उसके बाद एस डॉट नेम, इसको असाइन कर रहे हैं हम लोग नेम में, ठीक है। ये हमारा सेकंड कंस्ट्रक्टर बना है जिसके अंदर एक ही पैरामीटर है, क्लियर। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके अंदर हम लोग स्टूडेंट सिक्स का एस वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यू पास करती है, 111 और करंट, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए स्टूडेंट सिक्स का एस टू, ठीक है, न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट सिक्स, और यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, एस वन पास कर रहे हैं। क्यों पास कर रहे हैं एस वन, क्योंकि स्टूडेंट सिक्स का यहाँ पे क्या बना लगा हुआ है, एस नाम का लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो एस जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप का यहाँ पे, ठीक है। तो एस वन क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पास किया गया है ये वाला। तो एस वन की जो भी वैल्यूज़ होगी, ठीक है, वो इस एस में कैच करेगा। एस वन में कौन कौन सी वैल्यू होगी, आईडी होगी और रोल नंबर होगा, ठीक है। दोनों इस आईडी और नेम में असाइन हो जाएगा, क्लियर। चलो इसको रन करके देखते हैं तो समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही ना, क्लास स्टूडेंट कॉपी नाम का मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। क्या क्लास बनाया मैं, स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। यहाँ पे मैं इंट आईडी ले रहा हूँ, ठीक है, इंट आईडी लिया और स्ट्रिंग नेम ले लिया, ठीक है। दो मेंबर वेरिएबल यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, ले सकते हैं, किसी कोई दिक्कत, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आई सॉरी इंट आईडी और स्ट्रिंग नेम ले लिए। अब हम लोग यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट कॉपी इस टाइप का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट आई कॉमा स्ट्रिंग एन, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो आई में हम लोग को वैल्यू मिलेगा वो किस में हम लोग डाल देंगे, आईडी में। तो आईडी इक्वल टू आई हम लोग दे दिए, और यहाँ पे नेम इक्वल टू एन हम लोग दे देंगे, ठीक है, वैल्यू इनिशियलाइज हो गई। अब यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी एक ऑब्जेक्ट से हम लोग को दूसरे में कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट टाइप का पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ करके हम लोग वेरिएबल बनाएंगे। ये इंट आई क्या है, इंट क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब ये पहले से हम लोग को मिलता है। लेकिन स्टूडेंट कॉपी क्या है, ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको हमने अभी अभी बनाया है, ठीक है। और स्टूडेंट कॉपी के अंदर दो डेटा अवेलेबल है, कौन कौन से, आईडी और नेम, ठीक है। तो उसी का हम लोग क्या बना देंगे, यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे, ठीक है। जो एस है, एस का डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट कॉपी है। स्टूडेंट कॉपी के अंदर में क्या है, आईडी और नेम। तो एस के अंदर भी आईडी और नेम दोनों अवेलेबल होगा, क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से इनिशियलाइज आईडी इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एस डॉट आईडी, ठीक है। एस के अंदर आईडी अवेलेबल है, नेम इक्वल टू एस डॉट नेम, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया दो कंस्ट्रक्टर। मैं लिख रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ए आर जी एस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इतना समझ में आया ना यहाँ तक,
ये वाला समझ में आया? ठीक है, ओके। हाँ, दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब बताओ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्या लिखेंगे? डेली पूछूंगा मैं, डेली आना चाहिए। कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट कॉपी, क्या लिखेंगे स्टूडेंट कॉपी के बाद? एक लाइन तो है, वो भी तुम लोग याद नहीं रख पाते हो। नहीं, वैसा नहीं होता। अब भी बताया था, सेम प्रोग्राम बताया, इसीलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और वुमेन परफेक्ट। कहाँ की एस आई डी? ऑब्जेक्ट नेम डालेंगे, ऑब्जेक्ट नेम क्या डालेंगे? ऑब्जेक्ट नेम या S1 या OBJ, कुछ भी हम लोग नेम डाल सकते हैं। इसके आगे क्या लिखेंगे? इक्वल टू न्यू, उसके बाद SID। कहाँ से आ रहा है SID? स्टूडेंट कॉपी, देन उसके बाद हम लोग इस प्रकार का ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। ये हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे इंट आई और नेम, ठीक है। आईडी मैं दे दे रहा हूँ 111, ठीक है। कॉमा डाल के स्ट्रिंग वैल्यू है हमारे पास, तो नेम डालता हूँ। किसका नाम डालूँ बताओ? ऐश्वर्या डालते हैं, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे हम लोग एक पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, हम लोग एक मेथड बना लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम लोग ID, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं, डबल कोट लिखते हैं, ठीक है। स्पेस डाल देता हूँ मैं एक दो, और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है। ऐसा प्रिंट करेगा, सेव कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में इस डिस्प्ले को कॉल कर देते हैं। कैसे कॉल करेंगे? S1.Display, ठीक है। अब चलते हैं हमने कमांड की ओर और रन करते हैं हम लोग, ठीक है। CD \E और CD java bca 3, ठीक है। अब कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? java c स्टूडेंट कॉपी डॉट जावा, इसी नाम से हम लोग क्लास बनाए हैं, सेम नाम से हम लोग फाइल भी बनाए हैं, ठीक। अब यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, रन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जावा स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। सेम देखो आ गया, आया, ठीक है। तो ये तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट और बनाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टूडेंट कॉपी,
ठीक है, एस टू इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कॉपी, और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, हम लोग को सेम वैल्यू चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के पास जो वैल्यू है, एस वन के पास जो वैल्यू है वो सेम एस टू के पास भी आ जानी चाहिए, कॉपी हो जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, और यहाँ पे किस टाइप का हम लोग वेरिएबल ले रहे हैं, स्टूडेंट कॉपी टाइप का, और कॉपी के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, आईडी और नेम। ठीक है, एस वन के पास भी सेम है, एस वन के पास भी आईडी है और नेम है, ये वाला क्लियर। अब सेम वैल्यूज़ को हम लोग कॉपी करेंगे एस टू में, और ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है, और यहाँ पे पास कर देंगे एस वन, क्या पास कर देंगे एस वन। तो ये एस वन में जो भी वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है, 111 और ऐश्वर्या, ठीक है, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा। एस डॉट आई डी, एस डॉट आई डी की जो वैल्यू है ये वाली फेच करेगा, क्योंकि अभी उसके पास कौन सी वैल्यू है, 111 है, तो 111 किस में साइन हो जाएगा, एस टू के आई डी में, ठीक है, और ये ऐश्वर्या भी किस में कॉपी हो जाएगा, एस टू के नेम में। ठीक है, और हम लोग करते हैं एस टू डॉट डिस्प्ले, ठीक है, अब जादू देखना और कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वापस से हम लोग कंपाइल करेंगे, ठीक है, कंपाइल हो चुका है, और रन करेंगे, आ गया। ठीक है, सेम वैल्यू है, हम लोग अलग से वैल्यू डाले क्या, अभी अलग से वैल्यू नहीं डाले, हम लोग क्या किए, एस वन में जो आईडी था और नेम था दोनों को कॉपी कर दिए हम लोग एस टू में, और यहाँ पे यूज़ किए हम लोग स्टूडेंट कॉपी का एक वेरिएबल जिसको हम लोग पास किए थे इस कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है, समझ में आया, जावा जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग इस यहाँ पे असाइन करके बना सकते हैं, क्लियर। किसी कुछ डाउट है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते। एस टू वाला फिर से बताओ, एस वन तक समझ में आ गया था यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक और ऑब्जेक्ट बनाए, ये सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट बनाए हम लोग एस टू, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कौन सा कर रहे थे हम लोग, ये वाला कॉल कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे कॉल किए, यहाँ पे 111 और ऐश्वर्या जो है हम लोग असाइन कर दिए। 111 कहाँ पे गया, आई में गया, ठीक है, आई की वैल्यू जो है आईडी से आईडी में गई और उसको इनिशलाइज हो गई, ठीक है। वैसे ही ये ऐश्वर्या जो है किस में गया, एन में गया, एन की वैल्यू इस नेम में असाइन हो गई, तो ये एस वन को इनिशलाइज कर दिया, किसको इनिशलाइज कर दिया, S1 को। तो S1 के अंदर अब दो वैल्यू है, 111 और ऐश्वर्या, ठीक है, ID में क्या है 111 है, नेम में क्या है ऐश्वर्या है, ठीक है, और यहाँ S1 डॉट डिस्प्ले करके मैंने उसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, ये वाले मेथड को कॉल किया, इतना समझ में आया है। ठीक है, अब यहाँ पे S1 के पास जो वैल्यू है, S1 के पास क्या वैल्यू है, 111 है और ऐश्वर्या है, दो वैल्यू है इसके पास। अब सेम वैल्यू को मुझे कॉपी किस में करना है, एस टू में कॉपी कर देना है, तो कॉपी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया, कौन सा वेरिएबल लिया है, स्टूडेंट कॉपी का एक वेरिएबल लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू को अगर कॉपी करना है तो ऑब्जेक्ट टाइप का ही वहाँ पर वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, हम लोग उसको अलग से नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। तो ये एस जो हम लोग वेरिएबल बनाया उसका डेटा टाइप क्या है, स्टूडेंट कॉपी, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब ये एस जो है इसके अंदर दो चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन सी, आईडी और नेम, ठीक है। अब ये आईडी और नेम जो है वो इसके अंदर अवेलेबल है, तो उसको हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, एस डॉट आई डी और एस डॉट नेम। तो एस डॉट आई डी में जो भी वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, आई डी में चली जाएगी, एस डॉट नेम में
जो भी वैल्यू होगी वो किस में चल जाएगी, नेम में चल जाएगी। क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए एस टू, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कॉल कर रहे हैं ये वाले कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। और यहाँ पे पास किए हम लोग एस वन, क्या पास किए? एस वन। एस वन के पास दो वैल्यू है, कौन कौन सी? आईडी और नेम, ठीक है। ये एस वन पास किए, वो एस वन कहाँ कैच करेगा? यहाँ पे कैच करेगा, ठीक है। दोनों का डेटा टाइप सेम है, स्टूडेंट कॉपी, ठीक है। ये एस के अंदर जो वैल्यू अवेलेबल है, मतलब एस डॉट आईडी अगर हम लोग कर रहे हैं, तो ये वाली कॉपी हो रही है वैल्यू, ठीक है। वन 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 है इसके बाद, इसकी वैल्यू क्या है? वन वन वन, क्योंकि एस वन डॉट आईडी है वो, ठीक है। मतलब एस वन में जो भी आईडी की वैल्यू होगी वो किस में कॉपी हो जाएगी? एस टू के आईडी में, ठीक है। एस वन में, एस वन डॉट नेम में जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ पे कॉपी हो जाएगा? एस टू डॉट नेम में, ठीक है। मतलब दोनों कॉपी हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, एस टू डॉट डिस्प्ले। तो एस टू के अंदर भी हम लोगों को क्या मिल रहा है? यही मिल रहा है। क्लियर? समझ में आया कॉपी कंस्ट्रक्टर? अभी कुछ डाउट है? ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। हाँ, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रोग्राम सब बना के देखोगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के जितने प्रोग्राम मैं बताया हूँ, तीनों आज प्रैक्टिस करोगे, और उसका स्क्रीनशॉट मुझे ग्रुप में दिखना चाहिए आज, ठीक है। तभी अगला टॉपिक हो पाएगा, ठीक है। अगर प्रीवियस प्रोग्राम जो है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा आगे, ठीक है। पूरा हौच पौच हो जाएगा और कुछ समझ में नहीं आने वाला आगे, ठीक है। हर टॉपिक को क्लियर करते चलो, एक एक बार कम से कम रन करो, रन करना भी सीखोगे, एरर कैसे आता है, एरर कैसे सॉल्व करते हैं, सब चीज़ सीखोगे, ठीक है। सभी लोग जावा इंस्टॉल कर लिए होंगे अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ठीक है। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होगा तो भी मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उसको भी डाउनलोड करके रन कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्राम बहुत सारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल होते हैं, जावा कंपाइलर लिखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।